हेलो नमस्ते सत श्रीकाल। आज हम लोग एक रिपोर्ट बनाने में आ रहे हैं। क्यूरी मैनेजर में कैसे बनता है रिपोर्ट, इसको देखते हैं। ठीक है, सपोज दैट मैं एक छोटा सा रिपोर्ट बना रहा हूँ ताकि आप सीख सकें कि मुझे एक रिपोर्ट बनाने में इस बॉम की जो बॉम थ्री होता है, बॉम जो बनता है, इसकी मुझे रिपोर्ट में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, उसे बॉम का रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम कैसे बनाएंगे, ये देखिए, ये हमारा बॉम बना हुआ है। तो बॉम को का रिपोर्ट बनाना है कि ये आइटम है, उसके ये RM है और ये सारे हमें दिखे। ठीक है, तो इसका रिपोर्ट बनानी है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, टेबल पकाना चाहिए कि ऊपर वाला क्या है, वो ITT, ये क्या होता है, ITT1 टेबल होता है। ये दो टेबल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ आएंगे, पुलिस में आएंगे, पुलिस में आने के बाद कहाँ जाएंगे, क्यूरी जनरेटर में जाएंगे। क्यूरी जनरेटर में हो रही, यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह से ओपन। सबसे पहला टेबल हमारा क्या है, OITT डाल के आप टैब दीजिए, टैब करने के बाद वो टेबल। दूसरा टेबल क्या है, ITT1, यहाँ पे डालेंगे ITT1। यदि आपको नहीं याद हो तो गूगल में आप सर्च कर लीजिए कि सैन बिजनेस वन में जो बॉम के लिए टेबल जाता है, दोनों टेबल का नाम क्या है, तो आपको ये दो टेबल आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ये आपका इनर ज्वाइंट लग जाता है। जैसे आप दो टेबल उठाया, दोनों में ज्वाइंट लग जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स आइटम लेते हैं, तो इस पर डबल क्लिक किया, फादर नाम मिल गया। जो जो फील्ड हमें चाहिए उसको हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो फादर नाम मिल गया, इसमें आप देखेंगे तो पेरेंट्स आइटम गया, तो दोनों एक ही है। ठीक है, टाइप्स ऑफ बॉम क्या है, तो ये उठा लीजिए। उसके बाद उसकी क्वान्टिटी, नंबर्स ऑफ यूनिट, क्वान्टिटी कितनी है, तो ये उठाइए। ठीक है, क्रिएटेड डेट, डेट क्रिएटेड कब है, किस डेट में क्रिएट हुआ, उसको उठा लीजिए। ठीक है, ट्रांसफर डेट टू वेयर हाउस, किस वेयर हाउस में अगर फिनिश प्रोडक्ट के लिए कौन सा वेयर हाउस यूज होगा, वो उठा लीजिए। ठीक है, तो जो फील्ड आपको रिक्वायर्ड है यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप इसमें आएंगे, इसको देखिए, आप पूरा के चाइल्ड नाम, चाइल्ड नाम नहीं चाहिए, हमें कोड चाहिए, कंपोनेंट चाहिए, तो कौन कौन से RM आइटम यूज हुए, तो हम इसको उठाएंगे, सेलेक्ट करेंगे। कोड उठा लिया हमने, ठीक है, क्वान्टिटी उठा लिया, ये जा रहा है रो डिटेल वाला टेबल, तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये क्वांटिटी उठाने की मेमोरी था, यही क्वांटिटी का था। ठीक है, उसके बाद वेयर हाउस आपने ले ही रखा है, करेंसी प्राइस लिस्ट, इशू मेथड ले लीजिए आप, क्या है इशू मेथड। ठीक है, UAM आपका आएगा नहीं इसमें, तो UAM लेने की जरूरत नहीं है, इसका मूट लॉजिस्टिक के करेंगे। तो ये सारे करने के बाद आप यहाँ पे वेयर करेंगे। अब क्या करना है, हम जो बॉम्ब्स बना रहे हैं किसी पार्टिकुलर FB आइटम का होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपका पेरेंट्स आइटम है उस पर हम कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर पेरेंट्स आइटम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर कंडीशन पे आप क्लिक करेंगे। कंडीशन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे ये कंडीशन आ गया। अब कंडीशन क्या लगा रहे हैं, हम कंडीशन लगा रहे हैं जिसमें शुड बी इक्वल टू, ठीक है, एंड जिसमें इज इक्वल टू 0। अब ये जो आप लगाएंगे तो आपको एक कंडीशन लग गया, कंडीशन लगाने का जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको क्या होगा, FG आइटम सेलेक्ट करेंगे, उसके सारे दिखेंगे। आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कीजिए, ये देखिए पेरेंट्स आइटम, आप टैप कीजिए, टैप करने पर जितने भी आपके FG आइटम के बॉम बनेंगे यहाँ पे दिख जाएंगे। हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और चूज कर लिया, चूज करने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये हमारा FG आइटम आ गया। FG आइटम क्या है, ये सारे FG आइटम हैं। ठीक है, बॉम टाइप, प्रोडक्शन टाइप, फील्ड किया गया, कितने क्वान्टिटी लग रहे हैं, ये लग रहे हैं, उसके कंपोनेंट कौन कौन है, ये हैं। ठीक है, किस डेट में क्रिएट हुआ है, कितनी क्वांटिटी RM की लगी है, ये सारे आपके हम करेंगे। इशू मेथड क्या है, नहीं। अब यहाँ पे अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टाइप ऑफ बटन के बाद आप रखना चाहते हैं कंपोनेंट्स, आप इसको सिंपली क्या कीजिए, यहाँ पर कैंसिल कीजिए, यहाँ पर आइए और जो जहाँ पर आप अरेंज करना चाहते हैं उसको अरेंज कर दीजिए, आपका उसी हिसाब से आएगा। जैसे कि ये हो गया टाइप 3 बम हो गया, इसको हटाइए, इसको कोई जरूरत नहीं, इसको हम हटा देते हैं, इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, क्रिएटेड डेट हमें रिक्वायर्ड है, उसके बाद 2 बॉम्स, ये वेयर हाउस भी रिक्वायर्ड है, इसका भी कोड एंड क्वान्टिटी, कोड एंड क्वान्टिटी हम पहले रखते हैं, इसको हमने कॉपी कर लिया, यहाँ से कॉपी किया, इसको कॉपी कर लिया और डिलीट मार दिया। ठीक है, डिलीट मार दिया, कॉपी कर लिया, कॉपी करने का कहाँ ई टाइप के बाद हमने इसको डाल दिया, वहाँ पर डाल देना, ये हमने डाल दिया। ठीक है,
डालने के बाद और अब इसको हम स्वीट किया, स्वीट करने के कारण आइटम आ गया। वहाँ पर हमने एफजी उठा लिया, एफजी सेलेक्ट करने के बाद ओके किया। ये उस पार्टिकुलर आइटम का ये एफजी आइटम है, आप ऑर्डर रन क्या प्रोडक्शन रन है, कौन कौन से आर मटेरियल लग रहे हैं, वो मटेरियल है उसकी कितनी क्वांटिटी है, किस डेट में क्रिएट किया गया, ये फाइनल प्रोडक्ट कहाँ पे जा गया, थ्री वेराबल इशू मेथड क्या है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, आप पूरी मैनेजर में एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। अब इसको सेव करना है तो सेव एज कर दीजिए, सेव एज करने के बाद आप आइए, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद ऑलरेडी बॉम रिपोर्ट बना हुआ है, मैं यहाँ पर सेव करूँगा बॉम रिपोर्ट टू, रिपोर्ट टू करके उसको मैं सेव कर दूँगा। सेव अभी किस में जाएगा, तो जनरल में जाएगा, काफ़ी जनरल सेलेक्ट कर लीजिए और उसको सेव कर, जब आप सेव कर देंगे तो ये सेव हो गया। अब आप चाहें तो इसको ओपन करके देख सकते हैं कि आपका, अब इसको आप क्लोज कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका रिपोर्ट तैयार हो जाएगा। और जब से चेक करना है क्यूरी मैनेजर में रिपोर्ट, आप यहाँ पर आएँगे क्यूरी मैनेजर में जाइए, ठीक है, सॉरी क्यूरी जनरेटर क्लियर क्यूरी मैनेजर में क्यूरी, यहाँ पर आए क्यूरी मैनेजर, क्यूरी मैनेजर में उसके बाद इसको हम क्लिक किया, यहाँ आएंगे जनरल में आएंगे। और जनरल में आने के बाद उनको चेक करने के लिए हमने रिपोर्ट बनाया था, एक पहले रिपोर्ट ये बना रखा था हमने, ये रिपोर्ट पहले का है, इससे उसी तरह से है। यहाँ पर हमने फ्री आइटम सेलेक्ट किया, ये लिखा और ये आपका रिपोर्ट ओपन, ठीक है, ये हमने पहले बना रखा था और ये अभी आपको जो बना के मैंने दिखाया था वो ये जो अभी बना था बाउंड्री, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये ठीक है। और ये आपका जिस तरह से चाहे आप इसको अरेंज कर सकते हैं, जिस तरह से आप निकाल सकते हैं। एक रिपोर्ट मैंने इसी तरह से स्टॉक क्वान्टिटी का बनाया है कि किस पर्टिकुलर आइटम और किस वेयरहाउस में स्टॉक है। आप यहाँ पे आएंगे, आइटम को सिलेक्ट करेंगे, कोई भी आइटम है जिसका अगर आपको स्टॉक देखना है, यहाँ पे चूज करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है, ये आपका ओके। देखिए इसके सभी स्टॉक क्या दिखा रहा है, जीरो दिखा रहा है, किसी आइटम का स्टॉक नहीं है। तो आप इसको कैंसिल करके फिर से आप चाहें दूसरे आइटम का चेक करना है, फिर से आप इसको ओके कीजिए, ओके कीजिए, यहाँ पर आइटम सेलेक्ट कीजिए। आइटम सेलेक्ट करने के बाद आपने ये सिलेक्ट कर लिया, इसको डाला, ओके किया, अभी दिखा देखिए इसके दो क्वान्टिटी है, जिसमें क्यूसी वेयर हाउस में है एंड एफजी वेयर हाउस में, यहाँ पर क्वान्टिटी है, बाकी ऊपर सारे के हैं हमारे। तो इस तरह से आप रिपोर्ट बना सकते हैं। तो ये क्यूरी मैनेजर में सबसे सिंपल तरीका होता है रिपोर्ट बनाने का, और जनरली क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है क्यूरी मैनेजर में रिपोर्ट बनाने का, आप इजिली इसको बना सकते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज से मेरा नया सेशन, नया बैच ट्रेनिंग का स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसे जिन्हें भी ज्वाइन करना हो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मेरा नंबर है 5109741 3 2, वेरी रिजनेबल फी पे हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर हमें मैसेज करें या व्हाट्सअप करें या कॉल, ओके, थैंक यू।